लाजपत नगर में अस्थाई स्वच्छता कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। जी हां, राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव होने हैं, इसके पहले प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कार्यरत अस्थाई स्वच्छता कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर विरोध देखने को मिला। इसी कड़ी में गुरुवार को SDMC के सेंट्रल जोन ऑफिस के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 687 अस्थायी स्वच्छता कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं लाजपत नगर के SDMC के सेंट्रल जोन के ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर SDMC के कार्यरत अस्थायी स्वच्छता कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान कर्मचारियों की मांग है कि 1998 से लेकर 2010 के बीच लगाए गए अस्थायी कर्मचारियों को जो है पक्का किया जाए, और उन्हीं मांगों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से पक्का करने की बात कही जा रही है, 687 कर्मचारी यूनियन के नेता नवीन वैद ने बताया कि 5 साल पहले कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया गया था, लेकिन अब 5 साल पूरे हो गए हैं, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन हमारे से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया। हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे, अस्थाई कर्मचारी को पक्का किया जाए, और इसी बात को लेकर हमने आज यहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम आगे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे। RSO न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं संजीव सिंह की खास रिपोर्ट RSO न्यूज पर। चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, सफाई कर्मचारी को पक्का कर। स्वच्छता कर्मचारी यूनियन से उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश नवीन, किस लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या वजह, क्या क्यों कर रहे हैं? हमें अभी एक हफ्ते पहले महापौर ने कहा था कि सफाई कर्मचारी को 24 घंटे के अंदर पक्का कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारी 700 पक्के करे हैं। हम उसी तर्ज पे कह रहे हैं कि निगम प्रशासन और महापौर आयुक्त महोदय जी, इस तर्ज पे हमारे 687 जो सफाई कर्मचारी हैं CG वाले, उनको तुरंत प्रभाव से जल्दी पक्का कर दिया जाए। अच्छा, तो क्या है अभी, अगर मांगे नहीं मानी जाएंगी तो किस तरीके से आपकी यूनियन जो है वो काम करे? अभी हमारी मीटिंग हुई है अंदर, और उन्होंने कहा है कि हम आपकी जितनी भी फाइलें हैं उनको तैयार करके आगे भेज रहे हैं हेडक्वार्टर। अगर वो हमारा काम नहीं होता तो आगामी हम काम बंदाल भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी रखेंगे, और जो भी बल पड़ेगा वो करेंगे हम। कितने कर्मचारी तकरीबन हैं जो इस तरीके से हैं, जिनको पक्के करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? 687 सफाई कर्मचारी हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पे, जो अपने माता पिताओं के स्थान पर लगे हुए हैं। मेरी प्रार्थना है कि केजरीवाल जी और BJP जी जो भी है, वह सभी हमारे कर्मचारियों की तरफ देखें, अपना चुनावी वादा भूले नहीं। उन्होंने जब आए थे, निगम पार्षद बने थे, तो आज 5 साल पूरे हो चुके हैं उनके। उन्होंने कहा था सभी सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दिया जाएगा अगर हमारी पार्टी जीतती है तो। निगम में बैठे हैं वो, उनकी सरकार है, हमारे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अभी फिर से MCD चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार आप लोगों की मांगे पूरी हो पाएंगी? पहले अभी तो उनकी सरकार बैठी हुई है, हम मांग कर रहे हैं कि हमारे कर्मचारियों को पक्का करें, अपने वादा पूरा करें। अब कौन सा झूठा वादा करेंगे ये हमें नहीं पता। ठीक ठीक, थैंक यू भाई।